औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो अल्लाह के बाबरकत नाम से आज का व्लॉग शुरू करते हैं। आज हम ना आए हुए हैं मीठों के बाग में, मतलब जो मीठे होते हैं ना, चूसने वाले मीठे, उस बाग में आए हुए हैं। तो अभी ये वैसे छोटे छोटे हैं, ये मेरे पीछे आप देख रहे होंगे पौधे लगे हुए हैं। तो अभी इनको छोटे छोटे लगे हुए हैं, फिर ये बड़े होंगे तो फिर ये चूसने के काबिल होंगे। अभी ये छोटे हैं। तो इधर बाग है, तो मैं सोचा आपको भी मीठों के बाग की सैर करवाता हूँ, तो आए मेरे साथ साथ। ये देखिए माशाल्लाह काफ़ी लगे हुए हैं फल, जो इसको ना मीठों काफ़ी लगा हुआ है। ये देखिए ये अभी छोटे छोटे हैं, ये अभी लग रहे हैं कि लेमन जितने हैं, लेकिन बाद में इनका साइज़ बड़ा होता जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। आगे जो आगे यहीं रहने दें। तो ये लेमन का बाग, इसमें अभी ना बूर ही लगा हुआ है, मतलब अभी फूल लगे हुए हैं, फल थोड़ा थोड़ा लगा है। तो अभी ये बस तैयार हो रहे हैं, ये सर्दियों में ना, जब थोड़ी थोड़ी सर्दियाँ, बल्कि 2 मंथ बाद ना ये तैयार हो जाएंगे। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए अभी इन पे फूल लगे हुए हैं, ये छोटे छोटे लेमन भी लगे हुए हैं, ये देखें। ये मेरे साथ फजल बास भी है, ये भी साथ में बाग की सैर करने के लिए आया हुआ। और ये कोयल की आवाज़ भी आप सुन रहे होंगे। फजल बास सामने चल गए थे? नहीं भाई, उसने चिट्टा कोबरा रहता है, उसे नहीं जाओ। दोस्तों सामने ना लगा हुआ है लोकाट का दरख्त, लेकिन फजल बास कह रहा है कि इधर ना चिट्टा कोबरा रहता है तो इस वजह तो असी नहीं करीब नहीं जा सकते। सामने वैसे लुगाड़ तो लगा है, कई बार देखा भी गया, कई बार देखा भी गया। फजल बाज के बकौल किने वेख्या सी? इत्थे मुंडे उधर खेल के आना सी, उधर खेलन भी जांदे ते राह च उन्हां दा मगर भी लगा कई बार, कई बार उन्हां देखा। अच्छा, ते कोल कोई भी नहीं जांदा। और अभी वैसे शाम होने को है, सूरज आपको नजर आ रहा होगा, बस गुरूब होने के करीब है। तो बड़ा अच्छा मौसम बना हुआ है वैसे, कोयल की कुकू और शाम का मंजर। हाँ तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और साथ में दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा कि आपको मीठों का और लेमन का बाग कैसा लगा।